तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का एक हिडन फीचर बना रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। मैं आपको आज बताने वाला हूँ बेस्ट या बोल सकते हैं अमेजिंग रूटीन बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का, जिससे आप अपनी बैटरी काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक उस बैटरी को अपने मोबाइल की चला सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार अमेजिंग ट्रिक है या बोल सकते हैं अमेजिंग रूटीन है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है। कैसे यूज़ करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ, और क्या है सब आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में भाई आप लोग भूल जाते हो, तो पहले ही सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं आगे। तो जैसा कि हमने बताया, ये रूटीन जो है बहुत ही कमाल का। अभी रूटीन काम कैसे करेगा दोस्तों, इस रूटीन का मैं आपको एक सिंपल सा पहले फॉर्मेट बता दूँ। रूटीन का काम ये है, मान लो मैं किसी लोकेशन पे हूँ और उस लोकेशन पे ही अपना मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और उसके बाहर जाने के बाद मैं अपना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करता, सिर्फ कॉलिंग ही यूज़ होती है। तो उसमें क्या रहता है, बाहर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ बैकग्राउंड में रनिंग करती है, जिससे आपकी बैटरी खर्च होती है। तो आपको उसी से रिलेटेड मैं आपको टिप बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है मोड्स एंड रूटीन्स पे। मोड्स एंड रूटीन्स पे जाने के बाद जाना है रूटीन्स पे। रूटीन्स पे जाने के बाद जाना है प्लस पे। जैसे ही आप प्लस पर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो टिगर्ड वाला ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है प्लेसेस। आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर अपना प्लेस चूज़ कर लेना है। तो मान लो आप अपना मोबाइल सबसे ज़्यादा अपने घर पर यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना होम लोकेशन। लोकेशन डालने के बाद मैंने यहाँ से कर दिया वैन आई लीव। जब मैं अपने घर से बाहर जाऊँ, इस लोकेशन से जब मैं बाहर जाऊँ, तो मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। डन करने के बाद आपको जाना है ऐड में, नीचे की तरफ। अब ऐड कंडीशन में क्या डालना है, आपको नीचे की तरफ जाएंगे या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च मार लीजिए बैटरी। यहाँ पर आपको बैटरी खोल लेना है। बैटरी खोलने के बाद आपको सबसे ऊपर मिल रहा है पावर सेविंग का ऑप्शन। आप यहाँ पर पावर सेविंग ऑन को ऑन कर लीजिए और यहाँ से रिवर्स एक्शन कर देना और डन कर देना, और यहाँ पर अपना लोन डाल देना। अब क्या होगा, जब भी मैं अपने घर की लोकेशन से कहीं भी बाहर जाऊंगा, तो मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जहां मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता मोबाइल, वहां मेरी बैटरी बचेगी, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल ड्यूरेशन लंबी चलेगी, या बोल सकते हैं बैटरी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा चलेगी। तो ये था कमाल का रूटीन। इसमें एक रूटीन और ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको अगर अच्छा लगे। यहाँ पर प्लस में जाएँ, यहाँ ऐड में जाएँ, यहाँ पर आप सर्च मारें बैटरी। ये भी एक उसी से रिलेटेड है, बैटरी लेवल। और यहाँ पर आपको सर बैटरी लेवल लेने के बाद यहाँ पर लाइक डाल दिया 30 या 35, जो भी आपको डालना हो, लाइक 35 भी डाल दो, ठीक है। जैसे ही 35 से बिलो हो, देन कंडीशन में जाएँ, यहाँ पर आप पावर सेविंग लगा दो, कि जब भी 35% से नीचे जाए और मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड पर चला जाए, इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव हो सकती है। तो जो दो रिटर्न रूटीन बताए मैंने, काफ़ी अच्छे हैं। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी काफ़ी हद तक या काफ़ी लंबी तक चल पाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।